भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है और कोरोना वायरस के संदिग्ध लोगों को रखने के लिए बनाए गए आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्थाओं को दिखाया गया है। हालांकि वीडियो किसका है धवन को इस बात की जानकारी नहीं है और उन्होंने सिर्फ इसे शेयर किया है। उन्होंने वीडियो के साथ कोरोना से बचने के लिए किए जा रहे उपाय करने को लेकर बधाई भी दी है। इस वीडियो में भी दिखाया गया है कि जर्मनी से वापस आए लोगों को दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी में 24 घंटे तक निगरानी में रखा गया है। वीडियो में यह भी बताया गया है धवन के द्वारा कि लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज किया जा रहा है। वीडियो में विदेश से वापस लाए गए यात्रियों को मुहैया कराई जा रही सुविधाओं को भी दिखाया गया है, जिसमें स्वादिष्ट खाना, तौलिया, चप्पल, पानी गर्म करने वाली इलेक्ट्रिक कैटल, पीने का पानी, साफ सुथरी चादर और तकिए भी शामिल हैं। इसके अलावा वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि जिस सोसाइटी में यात्रियों को रखा गया है वहां स्थानीय डीएम, एसडीएम समेत तमाम बड़े डॉक्टर और अधिकारी मौजूद हैं। यात्री वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शामिल सभी अधिकारियों, डॉक्टर और कर्मचारियों का धन्यवाद कर रहे हैं। धवन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बस इस वीडियो को देखा और इसे शेयर कर रहा हूं। हमारे देश को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बता दें कि भारत में अब तक कोरोना वायरस से करीब 140 लोग प्रभावित हो गए हैं, जिसमें 3 लोगों की जिंदगियां खत्म हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को शेयर करने के बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि शिखर भी कोरोना का शिकार हुए हैं, लेकिन बाद में इस बात की पुष्टि हो गई कि शिखर कोरोना का शिकार नहीं हुए हैं, उन्होंने सिर्फ वीडियो साझा किया है। बात अगर शिखर धवन की वापसी की जाए तो शिखर धवन अच्छी खासी वापसी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में करने वाले थे, लेकिन वो वापसी नहीं कर पाए, जिसके बाद अब भारतीय टीम में उनकी वापसी का इंतजार बढ़ चुका है। आईपीएल में अब धवन खेल पाएंगे या नहीं ये कहने वाली बात होगी, क्योंकि यहां पर आईपीएल को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है 15 अप्रैल तक। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।